हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम जबरदस्त होंगे। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं मैसूरू पैलेस। और मैसूरू अगर आप आए हैं या फिर नाम सुने हैं तो मैसूरू पैलेस का नाम जरूर सुने होंगे। इस पैलेस के अंदर 12 मंदिर है और ये बहुत ऐसा चीज है जो कि आपको नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता, तो अंदर जाते हैं और वहां जाके आपको बताते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, आज आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस। गाइस, ये है इस पैलेस का एंट्री गेट और यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको पहले 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो फिर ये मंदिर आपको दिखेगा। मंदिर का नाम है श्री श्वेता वर्णा स्वामी टेम्पल। तो सबसे पहले आपको मंदिर दिखाते हैं। तो इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, बट बाहर से आप देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। इधर शायद बैठने का जगह हुआ करता होगा और ये रहा मेन मंदिर और उधर भी बैठने का जगह है। तो गैस, ये रहा मेन पैलेस जो कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे। तो पहले ये पैलेस लकड़ी का हुआ करता था, फिर 1890 में ये लकड़ी वाला पैलेस जल गया, फिर ये वाला पैलेस बनाया गया। और इस पैलेस को 1897 में स्टार्ट किया गया था बनाना और 15 साल लग गया इस पैलेस को तैयार होने में। तो गैस, अभी हम लोग जा रहे हैं पैलेस के अंदर और अंदर जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं। आज संडे है तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ोटो भी अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि सूरज भगवान एकदम ऊपर ही है और काला काला आ रहा है फ़ोटो और वीडियो लेने में। बट कोशिश हमारा है कि आपको बेस्ट फ़ोटो और बेस्ट वीडियो दिखाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो जैसे आप पैलेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको चप्पल जमा करना होगा क्योंकि पैलेस के अंदर चप्पल अलाउड नहीं है। छोटा संदूक है, हो सकता है राजा को गिफ्ट मिला होगा इसमें। तो गाइस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राजा को आसपास के डिस्ट्रिक्ट से जो भी गिफ्ट मिला था ये सब उसका संदूक है। तो ये दोनों चेयर जो है वो चांदी का है और जो भी यहाँ पे डिग्निटीज विजिट करते थे उनको इस चेयर पे बैठाया जाता था। सिल्वर चेयर्स का नाम है। तो गाइस, आज है संडे और अगर आप संडे को यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसा भीड़ आपको देखने को मिलेगा पैलेस में। तो इस पैलेस को 1987 में बनाना स्टार्ट किया गया क्योंकि 1990 में पैलेस जल गया था और शायद किसी रानी का शादी था और उस शादी में एक्सीडेंटली जल गया था। तो 1987 में इस पैलेस को बनाने के लिए 42 लाख रुपये का खर्च आया था और 15 साल लगा था इसको बनाने में। अभी आपको दिखाते हैं, सामने ये तोप रखा हुआ है, इधर भी इधर भी। और इस टाइप का जो मॉन्यूमेंट्स होता है हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारा एंशियंट कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, उसको दर्शाता है। तो चलिए और भी आपको बहुत कुछ दिखाते हैं, इस महल में बहुत कुछ है। अभी तो हम लोग बस 30% ही कवर किए हैं और हम सोच रहे थे कि अगर आज के टाइम में 42 लाख रुपये में घर खरीदे तो बैंगलोर में 1 BHK का भी नहीं मिलेगा। और इसको बनाने में 42 लाख रुपए लगा था, बट ये भी देखिए कि उस टाइम में लगा 1887 में और उस टाइम 1 रुपये का भी कीमत कितना ज़्यादा होगा। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और भी चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता का एक मूर्ति बनाया गया है। ये सब ओरिजिनल है, सबको बाद में नहीं रखा गया है, जब पहले इनके टाइम का है। तो ये है गोल्डन हावड़ा और ये राजा का सिंहासन था और इसके बारे में हम बताएं तो ये 80 किलो सोने का प्योर गोल्ड का बना हुआ है। यहाँ पे राजा बैठा करते थे और 1970 तक इस चेयर पे दशहरा के टाइम में राजा बैठते थे। यहाँ पे दशहरा का फेस्टिवल बहुत ग्रैंड होता है। तो अभी हम लोग को दिखा एक बहुत ही सुंदर कॉरिडोर और अभी रास्ता बंद है तो हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते, बट यहीं से देख रहे हैं। अभी साफ़ सफाई चल रहा है तो अंदर जाना शायद अलाउड नहीं है, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये है मैसूर पैलेस का रॉयल दरबार और यहाँ पे दरबार लगता था। सामने किसी का स्मृति भी बनाया हुआ है। यह सिल्वर डोर, राजा के पास कितना ज़्यादा सोना चांदी होता होगा, सब कुछ यहाँ पे चांदी का, सोना का। राजा का बैठने का चेयर 80 kg का। ये वाला जो आप देख सकते हैं पूरा सिल्वर का है।
तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे राजा रानी का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं। अच्छा, ये राजा रानी का नहीं है, हाथी का आभूषण है। यहाँ पे दशहरा बहुत ग्रैंड होता है, तो ये सब आभूषण जो है वो हाथी को पहनाया जाता है। यहाँ सारा मेंशनड है, माथे का हार, गर्दन की घंटियाँ, पैर की घंटियाँ, बहुत कुछ है यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है महाराजा ऑफ मैसूर, थोड़ा सा मॉडर्न राजा थे क्योंकि इनका जो देहांत हुआ वो 2013 में ही हुआ है। 1953 से 2013 तक ये जिंदा रहे। इनका नाम है श्री 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 कंठदत्त नरसिंह राजा ओडेयर मैसूर के महाराजा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहले से बाहर आ चुके हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जितना हम लोग देख सकते हैं या फिर जब आप आएंगे तो जो जो देखेंगे वो सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये पहले 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और हर शाम में 7 से 8 लाइट शो होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी आप जाइए मत, अभी रुकिए, अभी मैं शाम का वेट करूंगा और शाम में 7 से 8 जो लाइट्स होगा वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चामुंडेश्वरी मंदिर और वहाँ से जाएंगे हम लोग दलालीत होटल, जहाँ पे KGF मूवी का शूटिंग हुआ था। तो वो सारा आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और मिलते हैं आपसे फिर शाम में और आपको दिखाते हैं यहाँ का लाइट शो। 5 hours later तो आपको लाइट शो देखने के लिए वराहा गेट पे आना पड़ता है और ये है वराहा गेट। सुबह हम लोग इसी गेट पे आए थे, मेन गेट यही है, यहीं पे आपको टिकट मिलेगा। ये जो फाउंटेन है इससे आप लोग पहचान जाइएगा कि ये वराहा गेट है। फिलहाल अभी हम लोग अंदर चलते हैं और सामने से सुबह फोटो अच्छा नहीं खींच पाए थे तो अभी जाके फोटो खींचेंगे। तो गाइस अभी बज रहा है 6:45 और थोड़ा थोड़ा लाइट जल गया है, बट पूरा लाइट अभी नहीं जला है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, 15-20 मिनट बाद पूरा लाइट जल जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी आप चेकआउट कीजिए कि यहाँ पे भीड़ कितना है, सब लोग अपने अपने कैमरा में कैद करने के लिए यहाँ पे आ चुका है और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। अभी आप देखिए, आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी 15 मिनट का वेट है और 10-15 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद लाइट जलेगा, पूरा 1,00,000 बल्ब जलेगा तो और भी मंदिर सुंदर लगेगा। अभी तो हम बताएं तो दिन से ज़्यादा अच्छा अभी रात में लग रहा है, क्योंकि दिन में आए थे बहुत ज़्यादा धूप था, हम लोग इस साइड का फ़ोटो नहीं खींच पाए थे और अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वेट करते हैं और आप बने रहिए व्लॉग में, आपको बस थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं कि मैसूर पैलेस रात में कैसा दिखता है। तो गेट पर कुछ लोगों से हम लोग बात किए और वो लोग यहीं बोला कि अगर आप मैसूर आए हैं तो ये लाइट शो को देख के ही जाइए। लाइट शो नहीं है आज, मतलब जो भी बल्ब जलता है उसको देख के ही जाइए। तो गाइस ये रहा हमारा मैसूर पैलेस इन इवनिंग, अभी रात में नहीं क्योंकि रात वाला अभी बात बाकी है, अभी थोड़ी देर बाद लाइट जलने वाला है यहाँ पे। अभी आप इसको चेकआउट कीजिए और ये रात में काफ़ी सुंदर लगेगा। अभी बस थोड़ी देर में ही यहाँ लाइट शो होने वाला है और अभी बज रहा है 6:55, 5 मिनट और रुकना है हम लोग को। और पीछे भी आप चेकआउट कीजिए कि पीछे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये एंट्री गेट है जहाँ पे कल हम लोग आके फ़ोटो खिंचाए थे रात में, वो आपको कल वाले व्लॉग में दिख गया होगा। और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो हम लोग वेट करते हैं। तो सब लोग यही बोल रहे हैं जो मैसूर के नेटिव हैं कि अगर आप आए हैं मैसूर तो बिना लाइट बल्ब शो जो होता है रात में उसको देखे मीरा मत जाइए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, बस 5 मिनट का वेट है, फिर आपको दिखाते हैं, बस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस ये चेकआउट कीजिए, ये है असली मैसूर पैलेस का ब्यूटी। करीब करीब अब भी 1,00,000 बल्ब एलुमिनेट हो चुका है और देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो इधर आपको मेन पैलेस पे लाइटिंग दिख रहा होगा और ये है मेन गेट, इधर गेट पे भी लाइटिंग हुआ है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, 5-10 मिनट रुकेंगे क्योंकि हवा भी अच्छा चल रहा है और लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको इधर से दिखाते हैं, आपको इधर से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइटिंग भी अच्छा लगा होगा।